कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसका असर हर वर्ग और हर कारोबार पर पड़ा है। गाड़िया लोहार परिवार भी इस वक्त इसी मुसीबत में है। करीब साल भर से कोरोना महामारी के चलते इन परिवारों के लिए घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। बंद कर दिया क्यों? पता नहीं। मैं दे रही जोड़े पन्ना दे दिया कोई नहीं हुए कहें के दे रहे को हमें दा के हते हम बारे दे रहे कोई नहीं दिया। बाड़मेर जिला मुख्यालय की नेहरू नगर में रहने वाले गाड़िया लोहार बताते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से काम धंधा पूरी तरह ठप हो चुका है। हम लोग रोज कमा कर खाने वाले हैं। घर में खाने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन कमाने वाले इक्का दुक्का लोग होते हैं। बहुत मुश्किल हो गया था परिवार चलाना, तो कमा के ला करके खाने वाले हैं, कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं। और यही सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह नहीं है। धंधा है नहीं सर, क्या करें यार, दो महीने से बैठे हैं इधर, चला ले थोड़ा बहुत गुजारा। पहला 100-200 रुपये मिलते हैं, अभी क्या है उसमें खर्चा पूरा नहीं होता है, कैसे करके चलाते हैं, मुश्किल ही है। और क्या है, 10 जने के घर का परिवार, उसमें क्या खाए क्या पिलाए, 200-300 रुपये में क्या होता है। गाड़िया लोहारों की मुश्किल ये भी है कि उनके पास इस महामारी में दूसरा कोई भी कमाने का जरिया नहीं है। लॉकडाउन से पहले दिन में 500 से 1000 रुपए कमा लेते थे, घर का गुजारा चल जाता था। लेकिन अब पूरा मार्केट बंद होने के कारण दिन भर में 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। पहले शहर जाकर सामान बेच लेते थे तो शाम तक गुजारा चलने लायक पैसा हो जाता था। बेटे हम बस क्या कर सकते, की काम को होने दंद हो तो कहीं खाओ होने, दंद भी तो है नहीं, बैठा हूँ पैसा नहीं, सरकार कोई माई बाइप है कोई देरी पे दे तो मर क्यों सा सफर खाने के पिछले बार कोई मदद नहीं करी है, कोई मोना मदद ही नहीं करी है, मदद कौन करे है। परिवार की कर चलाओ, मैं आज भाऊ है जो 15-15 20-20 जना है उम्र है, पूरो पाड़ो की कर, कोई मदद करे तो है भाई ठीक है, नहीं तो मैं बैठा था मरण ना, तो वो पहल मैं पर मरियो कोरोना वाला पहल। गाड़िया लोहार समाज के अध्यक्ष के मुताबिक बाड़मेर में करीब 300 गाड़िया लोहार परिवार मुश्किल में है। ब्याज पर पैसे लेकर काम चला रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और कोई सरकारी मदद भी नहीं मिली। उधारी मारी से अभी काम चला रहे हैं, लॉकडाउन खुलेगा तो ये बेचारे अपने जैसे तैसे करके ये उधार मार से जो पैसे लाए वापस उनको उतारने की कोशिश करेंगे। किसी मांग तो हम हमेशा करते हैं, मगर मांग हमारी कोई सुनता नहीं है, नहीं इनके गरीब परिवारों की कोई देखता है, कोई सामने कोई नेता भी नहीं आया इधर आके देखे कि भाई इनको कोई सहायता वगैरह दी जाए नहीं दी जाए। लोहारों को इंतजार है कि जल्द से जल्द कोरोना काल खत्म हो जाए ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी पर लगा ब्रेक भी हट जाए। दिनेश कुमार, ETV भारत, बाड़मेर।